हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप अपने आईफोन में कॉन्टैक्ट कैसे ब्लॉक कर सकते हैं। अगर आपने अपनी कॉन्टैक्ट बुक के अंदर कोई कॉन्टैक्ट ऐड कर दिया है तो उसे कैसे ब्लॉक कर सकते हैं, अगर आपने उसे ऐड नहीं किया है और आपके कॉल लॉग में है तो भी उसे कैसे ब्लॉक कर सकते हैं, और अगर आपने उस पर्सन का कॉल आज तक रिसीव नहीं किया है और एडवांस में उसे ब्लॉक करना चाहते हैं तो आप उसे कैसे ब्लॉक कर सकते हैं, और ब्लॉक करने के बाद वो कॉन्टैक्ट आप उस कैसे मैनेज कर सकते हैं, अनब्लॉक कर सकते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए। आप देख रहे हैं टेकी प्रशांत, तो चलिए देखते हैं। दोस्तों, अगर आप अपने आईफोन के थ्रू किसी कॉन्टैक्ट पर्सन या तो फिर कोई भी कॉलर नंबर है उसे ब्लॉक करना चाहते हैं तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि उसकी डिफरेंट मेथड क्या है। तो सबसे पहले आपको जाना है फ़ोन एप्लीकेशन में। आपको ये ध्यान में रखना है कि फ़ोन एप्लीकेशन में जाना है, यहाँ कॉन्टैक्ट एप्लीकेशन में नहीं जाना है। फ़ोन एप्लीकेशन में जाएंगे तो वहाँ से आप अलग अलग जो टैब है उसमें से आपको चूज़ करना है कॉन्टैक्ट टैब। यहाँ पे जो है वो कीपैड है डायलिंग के लिए, लेकिन आपको चूज़ करना है कॉन्टैक्ट टैब। जो भी कॉन्टैक्ट को आप ब्लॉक करना चाहते हैं आपको वो सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा ब्लॉक दिस कॉलर, आपको उसे टैप करना है। यहाँ पे कंफर्मेशन के लिए एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, आपको टैप करना है तो वो जो नंबर है वो ब्लॉक हो जाएगा वो कॉन्टैक्ट पर्सन। और यहाँ पे ऑप्शन भी आ जाएगा अनब्लॉक, अगर आप चाहें तो यहाँ से उसे अनब्लॉक कर सकते हैं। और दूसरा एक ऑप्शन है, कोई अगर आपके रिसेंट कॉल लॉग में कोई नंबर है तो आप उसे कैसे ब्लॉक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये नंबर है तो यहाँ से आपको जो इन्फॉर्मेशन का है, क्योंकि ये जो पर्सन है वो कॉन्टैक्ट बुक में तो है नहीं, तो यहाँ पे इन्फो का आइकॉन टैप करना है। जैसे ही टैप करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन है ब्लॉक दिस कॉलर, आपको उसे टैप कर देना है और सिंपली उसे ब्लॉक कर देना है। तो ये ऑप्शन हो गए कि आप कैसे जो कॉन्टैक्ट बुक में कॉलर है उसे और जो एग्जिस्टिंग रिसेंट लॉग है उसमें से कैसे ब्लॉक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी कॉन्टैक्ट बुक में वो कोई नंबर नहीं है और कॉल भी नहीं है, लेकिन आप जानते हैं कि ये नंबर को आपको ब्लॉक करना है, तो आपको टेम्पररी एक यहाँ पे एक कॉन्टैक्ट ऐड कर देना है। फॉर एग्ज़ाम्पल सिंपली ए, लेकिन ए टेस्ट टू फॉर एग्ज़ाम्पल, या तो फिर टेस्ट वन ए टेस्ट, और बाद में यहाँ पे उसका नंबर डाल देना है जो भी आप नंबर ब्लॉक करना चाहते हैं, और बाद में डन बटन प्रेस करना है। डन बटन प्रेस करने के बाद यहाँ पे ब्लॉक दिस कॉलर टैप कर देना है, यानी आपको इमीडिएटली एक नंबर क्रिएट करके डाल देना है और बाद में उसे ब्लॉक कर देना है। तो जैसे आप उसे ब्लॉक कर देंगे तो वो ब्लॉक लिस्ट में चला जाएगा। तो ये जैसे मैंने तीन मेथड बताई, एक तो एग्जिस्टिंग कॉन्टैक्ट उसे कैसे ब्लॉक कर सकते हैं, दूसरा जो कॉल लॉग होता है रिसेंट उसमें से भी नंबर ब्लॉक कर सकते हैं, और तीसरा आप इमीडिएटली एक कॉन्टैक्ट क्रिएट कर दीजिए उसमें वो नंबर डाल लीजिए और बाद में उसे ब्लॉक कर दीजिए, तो वो पर्सन भी ब्लॉक हो जाएगा और आप उस पर्सन का कॉल रिसीव नहीं करा पाएंगे। अब हम देखते हैं कि आपने जितने भी नंबर ब्लॉक कर दिए हैं उसे कैसे देख सकते हैं और उसे कैसे अनब्लॉक कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको जाना है सेटिंग्स में, सेटिंग्स में से आपको जाना है फ़ोन एप्लीकेशन में। तो जैसे ही आप फ़ोन एप्लीकेशन में जाएंगे तो यहाँ पे ऑप्शन है कॉल ब्लॉकिंग एंड आइडेंटिफिकेशन, आपको वो टैप करना है। जैसे आप उसे टैप करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि जितने जितने कॉन्टैक्ट्स है वो ब्लॉक कर रखे हैं वो यहाँ पे पूरा लिस्ट आ जाएगा, और आप किसी भी कॉन्टैक्ट को अगर अनब्लॉक करना चाहें तो सिंपली आपको उसे स्वाइप करना है। तो जैसे जैसे ये कॉन्टैक्ट है उसकी इन्फॉर्मेशन तो आपको मिली जाएगी यहां से, लेकिन आपको उसे स्वाइप करना है। तो जैसे आप उसे स्वाइप करेंगे, अगर ज्यादा स्वाइप कर दिया तो अपने आप हो जाएगा, अभी हम देखते हैं टेस्टिंग के लिए। तो जैसे स्वाइप किया तो यहां पे ऑप्शन है अनब्लॉक, तो आपको सिंपली उसे टैप करना है। जैसे आप उसे टैप कर देंगे वो पर्सन अनब्लॉक हो जाएगा फिर से टेस्टिंग के लिए अनब्लॉक। तो ये ऑप्शन है, और यहाँ से भी आप कोई नए कॉन्टैक्ट को ब्लॉक कर सकते हैं। जैसे ही टैप करेंगे कॉन्टैक्ट चूज करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो ये सिंपल मेथड थी कि आप कैसे कॉन्टैक्ट को ब्लॉक कर सकते हैं और बाद में उसे सेटिंग के थ्रू जाके मैनेज कर सकते हैं और अनब्लॉक भी कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो उसे लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल का बटन है उसे टैप कर दीजिए, तो जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँगा तुरंत आपको अपने आईफोन या तो फिर एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर पुश नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप मेरा नया वीडियो देख पाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।